वेल हे गाइस, ब्लूमिंग पॉट इज बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज मैं एक ऐसी मैजिकल बॉल लाया हूँ। बेसिकली वो एक है ना बॉल होती है, मटकी सॉइल की बॉल होती है, उसको उसके अंदर सीड्स होती है, उसको आपको है ना प्लांट करने के लिए डायरेक्टली उसको आप पॉट में रखो, वाटर करो रेगुलरली और वो प्लांट मतलब उसके अंदर से एक प्लांट निकल जाएगा। तो लेट्स सी वो है ना उसको बनाना कैसे है। तो उसको बनाने के लिए हमको चाहिए सॉइल एंड कोई भी आप सीड्स ले सकते हैं। मैंने तो टच मी नॉट के सीड्स लिए थे जो मेरे पास आप देख सकते हैं, बाकी एज यू विश आप कोई भी ले सकते हैं। और हमको चाहिए पेपर। तो जो ये सॉइल है ये एक्चुअली ब्लैक सॉइल है। हम क्या ब्लैक सॉइल लेते हैं तो क्या ज़्यादा अच्छे से हार्ड हो जाती है, उसमें इतनी डस्ट नहीं बनती है। तो अब हम करेंगे क्या, ये जो सॉइल है इसके अंदर थोड़ा थोड़ा वाटर मिक्स करके इसका एक डोज जैसा बना लेंगे, लाइक क्ले होती है उस टाइप का कुछ बना लेंगे हम एक मटेरियल। तो हमको इसको ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, एक जो प्लेइंग के क्ले होती है जो हमको स्टेशनरी में इजीली अवेलेबल होती है उससे थोड़ा सा हार्ड रखना है लाइक, या फिर जो डो होता है उससे भी थोड़ा हार्ड हो तो ये अच्छे से होगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका टेक्स्चर कैसा होना चाहिए। तो ये जो है मैंने इसको फाइनली तैयार कर लिया है, मेरे सामने है ये, आप देख सकते हैं सब। और ये थोड़ी हार्ड है जो आपको दिख भी रहा होगा, इसको मैं मैश करके भी दिखा दूँ आपको एक आइडिया लग जाएगा। इसको करते टाइम आप मैं आपको प्रीफर करूँगा आपके ग्लव्स ज़रूर पहन लें, उससे क्या है कि आपके हाथ ज़्यादा गंदे नहीं होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी होता है। देन अब आप देखिए कि कितना अच्छे से ये हमारा जो डो है वो, सॉरी मैंने गलती से डो बोल दिया, डो तो नहीं कहेंगे लेकिन जो हमारा जो है क्ले कह सकते हैं इसको, क्ले है ये, कितनी अच्छे से है ना रेडी हो गई है। तो ये हार्ड है, इससे क्या होगा कि हमारी जो सीड इसको डैमेज नहीं पहुँचेगा, ख़राब नहीं होगी। तो हमको क्या करना है, गोल्फ बॉल साइज की एक है ना मतलब लेनी है, इसका पार्ट गोल्फ बॉल होती है उस साइज़ का, उसके बीच में एक होल करना है। होल करने के बाद में हमको एक पेपर का पीस है ना लेना है, टियर करना है, उसके अंदर हम सीड्स रखेंगे। आप 2-3 सीड्स रख सकते हैं, मैंने इसको है ना अराउंड 3 सीड्स रखी है मैंने एकदम उसको। देन हम उसको फोल्ड करके इसके अंदर है ना जहाँ पे हमने होल बनाया था उसके अंदर रख के इसको एक अच्छे से बॉल शेप है ना एक अपन बना सकते हैं, बॉल की स्फेरिकल शेप की एक बॉल बना सकते हैं। आप चाहे तो आप कोई भी शेप बना सकते हैं लेकिन मैंने तो बॉल बनाई है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से बन गई है। अब हम इसको ड्राई होने के लिए रखेंगे तो उसके बाद ये बिल्कुल भी डस्ट नहीं छोड़ेगी। तो फ्रेंड्स अब हमारी जो बॉल है एकदम अच्छे से ड्राई हो चुकी है, उसके अंदर से सारा मॉइस्चर निकल गया, ये अराउंड 2 डेज में एकदम सही हो जाती है। ब्लैक सॉइल को यूज़ करने का यही एक एडवांटेज है। एंड अब मैंने एक पॉट लिया है, पॉट के अंदर मैंने थोड़ी सॉइल फिल करी है। तो मैं करूँगा क्या कि इसको सिंपली इस पॉट के अंदर रख दूँगा, प्लेस कर दूंगा, हल्का से इसको पुश कर दूंगा और ये जो वो है ना वाटर है हमारा उसको रेगुलरली आपको वाटर करना है। कुछ दिनों में ये अपने आप ही जर्मिनेट हो जाएगा और आप है ना देख लेंगे कि है ना इसके अंदर से एक प्लांट निकल गया है। अभी आपको दिख रहा होगा कि हमारी जो बॉल थी कितनी अच्छी तरह वो है ना मतलब है ना उसमें है ना थोड़ी थोड़ी लाइक मरनी शुरू हो गई है। कितनी अच्छे से हो गई है आप देख सकते हैं, धीरे धीरे मेल्ट होनी शुरू हो गई। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि एक तो ये इनोवेटिव तरीका है, लाइक इनोवेटिव वे है कोई प्लांट लगाने का, आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं इजीली बनाकर। दूसरा जो मैंने तरीका बताया है आपको, इससे क्या होगा कि है ना ये जो है मतलब इसमें डस्ट भी नहीं होगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।